एनटीपीसी सिंगरौली में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन चिमनी का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके कामकाज की गहन समीक्षा करते हुए कार्यकारी निदेशक ने उच्च स्तरीय बैठक करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कामकाज के बारे में कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। सिंगरौली में एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक प्रेम प्रकाश ने एफजीडी चिमनी के कामकाज की गहन समीक्षा करते हुए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कामकाज के बारे में समीक्षा की और एफजीडी चिमनी की विशेषता बताते हुए कहा कि इससे पर्यावरण में सल्फर की मात्रा कम होगी। वहीं एनटीपीसी की पहली यूनिट के 40 साल से अधिक समय तक मानक के अनुरूप बिना किसी बाधा के अभी तक काम करने की प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कर्मचारियों की कुशलता और उनके समर्पण की प्रशंसा की। वहीं इस अवसर पर परियोजना के प्रमुख सहित सभी कर्मचारी भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।